हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 22 मोटर्स के अपकमिंग आने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर फ्लो के बारे में, जिसे सबसे पहले ऑटो एक्सपो 2018 में दिल्ली में दिखाया गया था, जो कि बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाली है इसी साल 2019 में। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बनाने में ताइवान की इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी कैमको कंपनी के साथ 22 मोटर्स ने टाई अप किया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कंपनी ने बहुत सारे नए फीचर्स डाले हैं और उन फीचर्स को जानने के लिए आप प्लीज मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आप हर बार की तरह मेरे वीडियो को देख के लाइक करना भूल जाते हैं, सो प्लीज आप मेरे वीडियो को अभी लाइक कर दें। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मेरे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं फ्लो इलेक्ट्रिक स्कूटर के मोटर पावर के बारे में। इसके इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो कंपनी ने इसे इसके रियर व्हील के अंदर फिट किया है। आप जो ये इमेज देख रहे हैं, इसी रियर व्हील के अंदर इसका मोटर फिट है, जिसे बॉश कंपनी ने बनाया है। इसके मोटर पावर की बात करें तो कंपनी ने आपको इसमें 2100 वॉट का मोटर पावर देती है, जिसमें आपको 90 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। इसका मोटर एयर कूल्ड है और साथ ही इस स्कूटर में कंपनी आपको सेल्फ स्टार्ट के साथ ऑटो ट्रांसमिशन भी देती है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बैटरी टाइप के बारे में। कंपनी आपको इसमें लिथियम आयन बैटरी देती है, जो कि मेंटेनेंस फ्री बैटरी है। ये देखने में बहुत ही स्लीक और हल्की है। इस तरह के दो बैटरी आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगी हुई मिलेंगी। आप चाहो तो इसे बहुत ही आसानी से स्कूटर से बाहर निकाल भी सकते हैं। इस बैटरी के चार्जिंग टाइम की बात करें तो अगर आप इसे नॉर्मल चार्जिंग में लगाते हैं तो ये करीब 4 से 5 घंटे लेती है फुल चार्ज होने में, और अगर आप इसे फास्ट चार्जिंग मोड में चार्ज करते हैं तो ये 1 घंटे में करीब 70% तक बैटरी को चार्ज कर देती है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बैटरी रेंज की बात करें तो इसे फुल चार्ज करने के बाद आप इसे नॉनस्टॉप 160 किलोमीटर तक इसे चला सकते हैं। और इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो कंपनी के हिसाब से आप इस स्कूटर को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला भी सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में इसके बैटरी में कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम आने से कंपनी इस बैटरी को फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करती है। अब हम फ्लो स्कूटर के लाइटिंग के बारे में जानते हैं। फ्लो स्कूटर के हेडलैम्प की बात करें तो कंपनी ने आपको 2018 के ऑटो एक्सपो में इसका हेडलैम्प कुछ इस तरह का दिखाया था, जो कि अभी कंपनी ने कुछ चेंजेस करके इसका एक नया लुक दिया है, जिसमें आपको DRLS के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प देती है। इसके साथ इसके टेल लैम्प और टर्न सिग्नल लैम्प की बात करें तो कंपनी ने इसमें भी कुछ थोड़े से चेंजेस किए हैं। इसका लुक कुछ अब इस तरह दिखता है और इसमें कंपनी आपको टेल लैंप और टर्न सिग्नल लैंप दोनों ही LED देती है। तो फ्रेंड्स, अब हम फ्लो स्कूटर के सस्पेंशन टाइप के बारे में जानते हैं। इसके फ्रंट में कंपनी आपको टेलीस्कोपिक फोर्क देती है, जिसके साथ इसके रियर में आपको डुअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस स्कूटर के ब्रेकिंग टाइप के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कंपनी आपको इसमें CBS देती है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। और इसके ब्रेक की बात करें तो आपको इसके फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक मिलता है, जिसका फ्रंट और रियर डिस्क साइज 200 mm है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं इस स्कूटर के व्हील्स एंड टायर टाइप के बारे में। सबसे पहले कंपनी आपको इसमें अलॉय व्हील देती है, जो कि आपको सिर्फ इसके फ्रंट में मिलता है, रियर में नहीं। और साथ ही इसके व्हील साइज की बात करें तो इसका फ्रंट और रियर व्हील साइज 12 इंच है। अब इसके टायर की बात करें तो कंपनी आपको इसमें ट्यूबलेस टायर देती है, जिसका फ्रंट साइज 90/90 और रियर का साइज 120/70 है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के इंस्ट्रूमेंटल कंसोल फीचर की बात करें तो कंपनी ने आपको इसके 2018 ऑटो एक्सपो में कुछ इस तरह दिखाया था, जिसमें कंपनी ने कुछ चेंजेस किए हैं। अब इसका इंस्ट्रूमेंटल कंसोल फीचर कुछ इस तरह का दिखता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटल कंसोल फीचर के बारे में।
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कंपनी आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर एंड ट्रिप मीटर डिजिटल देती है, जिसके साथ साथ कंपनी आपको इसमें क्रूज कंट्रोल, रिवर्स मोड, थीफ कंट्रोल, क्लॉक, वाईफाई कनेक्टिविटी, नेविगेशन एंड मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी देती है। इसके साथ साथ कंपनी ने इसमें एक ड्रैग मोड दिया है। ड्रैग मोड को यूज करने के लिए अगर आपका स्कूटर पंचर हो जाता है और आप इसे पुश करके कहीं ले जाना चाहते हो तो आप इसके ड्रैग मोड को ऑन कर देंगे तो इसका मोटर स्कूटर को धीरे धीरे स्लोली स्लोली इसको पुश करता रहेगा, जिससे आपको इसे पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लो इलेक्ट्रिक स्कूटर के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये करीब 155 mm है। इसके वेट की बात करें तो ये 85 kg है और इसके लोडिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये आपको 150 kg का लोडिंग कैपेसिटी मिलता है। इस स्कूटर में कंपनी आपको 25 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज देती है, जिसमें आप दो फुल साइज के हेलमेट रख सकते हैं। इसके साथ कंपनी आपको इसमें दो मोड देती है ड्राइव करने के लिए, पावर मोड और इको मोड। इसके कलर ऑप्शन की बात करें तो कंपनी आपको इसमें 6 कलर ऑप्शन दे रही है। इसके प्राइस की बात करें तो कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2018 में इसका प्राइस 74,740 रुपीज बताया था, जो कि अभी कुछ उन्होंने चेंजेस किया है। अब इसका प्राइस 65,000 टू 70,000 के बीच में रखा जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। आप प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड, एक बार फिर बोलूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मेरे लेटेस्ट और नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।